आज आपको हम नर्मदा नदी पर बने रेलवे के दो बड़े ब्रिजों से अवगत कराएंगे। यह ट्रेन जोधपुर पुरी एक्सप्रेस है और भोपाल से चली है। बुधनी घाट सेक्शन ट्रेन ने क्रॉस कर लिया है और जल्द ही कुछ ही मिनट बाद अब नर्मदा नदी पर बने रेलवे के दो बड़े ब्रिज आने वाले हैं। एक ब्रिज आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, यह ब्रिज सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, और एक ये ब्रिज जिससे ट्रेन होकर गुजर रही है। नर्मदा नदी भी आपको दिखाई देने लगी होगी। नदी में फिलहाल बाढ़ का पानी है। इस नर्मदा नदी पर रेलवे के कुल तीन ब्रिज बने हुए हैं। सामने दो ब्रिज आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से बीच वाला ब्रिज और जिससे ट्रेन होकर गुजर रही है ये ब्रिज करीब, दोनों ब्रिज 50 साल से ज़्यादा पुराने हैं, बल्कि और भी ज़्यादा पुराने हैं। और जो ब्रिज लास्ट में दिख रहा है, ये ब्रिज आपको एक ब्रिज दिख रहा है, इसके बाजू से एक ब्रिज और है, ये ब्रिज नया है और तीसरी रेल लाइन के लिए बना हुआ है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है और अमरकंटक से निकली है। बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में ही बहता है नदी का। यह महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नदी का यह दृश्य बहुत ही रमणीय है और ऐतिहासिक भी है। जहाँ तक देखेंगे पानी नज़र आएगा, ये नदी है। और जोधपुर पुरी एक्सप्रेस जो है ब्रिज को क्रॉस करती हुई आप देख रहे होंगे, ये देखिए। फिलहाल नर्मदा का जलस्तर खतरे से नीचे है क्योंकि बारिश मध्य प्रदेश में थमी हुई है, बूंदाबांदी हो रही है। हल्की बारिश भी होती है लेकिन पिछले 10 दिन से तेज़ बारिश का दौर थमा हुआ है। नर्मदा नदी को जोधपुर पुरी क्रॉस करती हुई यह ब्रिज है, देखिए ब्रिज से जोधपुर पुरी गुजरती हुई। नीचे नाव में कुछ लोग मछली पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ट्रेन की रफ्तार भी थोड़ी तेज हो गई है। नर्मदा नदी को यह ट्रेन क्रॉस करने वाली है और इसके बाद आने वाला है होशंगाबाद रेलवे स्टेशन। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन एक धार्मिक स्टेशनों में से गिना जाता है और धार्मिक नगरी होशंगाबाद में है। यहाँ पर करीब अप डाउन में 50 से अधिक ट्रेनों का स्टॉप 24 घंटे में नर्मदा नदी और होशंगाबाद रेलवे स्टेशन और जोधपुर पुरी एक्सप्रेस ने नर्मदा नदी के ब्रिज को क्रॉस कर लिया है। अब ट्रेन जो है होशंगाबाद में बढ़ती हुई, करीब 5 मिनट के बाद होशंगाबाद रेलवे स्टेशन आ चुका होगा। होशंगाबाद स्टेशन के बाद इटारसी जंक्शन आएगा। यह जंक्शन सालों पुराना है और यहाँ से मुंबई, दिल्ली, प्रयागराज, नागपुर की तरफ ट्रेनें चलती हैं।